33 कोटि देवताओं को बुलाया और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने, देखिए जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते। शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक दे। बात तो कहेंगे व्यास पीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो, जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है, अरे मम्मी और देखो जरा भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर, वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ।